भाई आपका भतीजा बहुत ही क्यूट है, उज्जवल जैसा नाम बिल्कुल वैसा दिखता है। मैं गोलू सा चबी मेरी चाबी नहीं, और प्रियंका भाभी ने भी बहुत अच्छा खाना पकाया था यार। सच कहूं तो मैंने थोड़ा सा ओवर थिंक कर लिया आज, पपा के खाया। डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं अभी दवाई ले लेता हूँ ना, तब ठीक हो जाएगा। तो दवाई ले लो। ज्योति जी क्या बात, उदास हुआ? नहीं वो मैं कुछ और सोच रही थी। कुछ और क्या सोच रही थी आप? विशु जी आपने नितिन अंकल से पैसे मांगे थे ना, मैं उसके बारे में सोच रही थी। अरे भाई इसमें सोचना क्या है, पैसे मांगे तो मिल जाएंगे। मैंने आज सुबह कुसुम से बात कर ली थी, उसने भी हमें अश्योर किया है कि वो हमारा पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज कर देंगे। ये सब आप क्यों बोल रही हैं? दरअसल बात ये है ना विशु जी कि मैंने कुसुम दीदी और प्रियंका भाभी को कुछ बात करते सुन लिया है। वो लोग हमारे पैसे के बारे में बात कर रहे थे। प्रियंका भाभी और कुसुम हमारे पैसों के बारे में बात कर रहे क्या? कुसुम दीदी कह रही थी कि वो कंपनी से इतनी बड़ी अमाउंट नहीं रिलीज कर पाएंगे। क्या कुसुम ने ऐसा कहा? यू श्योर? हाँ विशु जी अगर दीदी हमें पैसे नहीं देंगी तो क्या हम अपना घर नहीं ले पाएंगे? पैसे कैसे नहीं देंगे? अरे भाई मैं कोई कर्ज या लोन थोड़ी मांगा, अपने खुद के पैसे मांगा, और घर तो बाद में, मुझे पहले प्रोजेक्ट के लिए तो पैसे चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा विशु जी कि दीदी ऐसा कर क्यों रही है, आखिर क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जी आप फिकर मत कीजिए, मैं कल फिर से कुसुम से बात करके देखूंगा। बात वो नहीं है विशु जी, आप समझ नहीं रहे हैं। दीदी सबके सामने हमें सपोर्ट करती है, हमारे फैसले को सपोर्ट करती है, और अंदर ही अंदर ये है कुसुम दीदी। अब ये मत कहना कि मैं किसी के बहकावे में आके ये सब कह रही हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा कुसुम भला हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? लेकिन मेरी समझ में धीरे धीरे सब कुछ आ गया है, जान गई हूँ कि दीदी क्या चाहती है। अरे कुसुम थैंक यू वेरी मच, कल आप आई बाबा के घर आए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कल मैंने आई बाबा के चेहरे पे खुशी की रौनक देखी थी। जैसे कि तुमने कभी मेरे मम्मी पापा को खुश करने का कुछ किया ही नहीं। मैं तो ये समझ बैठी थी कि आपने मेरी खुशी के लिए ये सब किया। एनीवेज मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है इस वक्त। मैं जानती हूँ आप थक गए होंगे, लेकिन बात ही जरूरी है। वो मिस्टर शाह और मिस्टर पतौड़ी की मीटिंग के बाद ऑफिस के बाहर ऑफिस में की जाती है। लेकिन बात सिर्फ ऑफिस की नहीं है अभय, वो विशु और ज्योति भी चले। ज्योति तुम्हारी बहन है और विशु अरुंधति चाची का भाई। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इन बात में घसीटो। हाँ अगर बात सिर्फ तुम्हारी हो गई कल आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ फाइनल चेकअप है। जीजू के साथ प्यार का स्वांग करती हैं, लेकिन आज भी अलग कमरे में सोती हैं। ये राज को तो अब जानना ही पड़ेगा। अंकल अगर मेरे फंड्स का अरेंजमेंट हो गया तो मैं ऑफिस जाके चेक क्लिक करूं? डोंट वरी विशाल,
मैं वो चेक साइन कराया। हाँ, चेक्स तो तैयार है, साइन भी हो गए, देखे थे मैंने। चेक्स तैयार तो है, लेकिन कुसुम ने उसे कुछ समय के लिए होल्ड करने के लिए कहा है। ये लो कुसुम आ गया। कुसुम, कल तुम्हारी मीटिंग हो गई थी? जी पापा। मिस्टर शार, मिस्टर पनिया ने कहा कि एक साथ इतनी जल्दी इतना सारा कैश रिलीज करना पॉसिबल नहीं है। What? ये कहना चाहते हो कि हमारे कंपनी में इतना फंड्स नहीं है जिसमें से हम कुछ विशाल को दे सके? I just don't believe it. We are going through financial crisis और इस बात का हमें आभास तक नहीं। चाचू, फिलहाल तो हमारी कंपनी financial crisis face नहीं कर रही, लेकिन अगर हमने विशाल के 5% शेयर्स को लिक्विडेट किए तो शायद हमारी कंपनी financial crisis face कर सकती है। ये सब बातें मेरी समझ के बाहर है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि विशाल के खुद के पैसे हैं और हमें उसे देने हैं। तो ठीक है बाबा, आप और चाचू मेरे साथ ऑफिस आइए, मैं आपको सारी डिटेल्स दिखा दूंगी। प्रोस एंड कॉन्स आपके सामने आ ही जाएंगे और फिर आपको जो डिसीजन लेना आप ले लीजिए। मुझे पक्का यकीन है हमारे घर के सारे मर्द कुसुम की हाँ में हाँ मिला देंगे। उसी की बात मानते हैं ना वो लोग, और विशाल को उसके खुद के पैसे देने से मना कर देंगे। मेरी तो समझ में नहीं आता कुसुम ने ऐसा क्या जादू किया है सब पर। भाभी, बहुत सिंपल बात है, पता नहीं आपको क्यों समझ में नहीं आया। कुसुम अभय की जरूरत है, ज्योति को ये बात क्यों समझ में नहीं आया? गलती मेरी है ना, मैंने अपने डैडी से कहा नहीं होता कि विशाल के पैसे विशाल के नाम पे कपूर इंडस्ट्रीज में रख दीजिए। अगर ऐसे कहा होता कि किसी अच्छे से बैंक में रखे तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, हमारी कंपनी अच्छी खासी चल रही है, प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, फिर कुसुम ऐसे क्यों कह रही है कि कंपनी के पास पैसे नहीं है? वो इतना बड़ा झूठ आखिर बोल क्यों रही है? साफ बात है, क्योंकि उसकी नीयत में खोट है। आई थिंक कुसुम विशाल के पैसे हड़प करना चाहती है। नहीं, वो पैसे खा नहीं सकती, वो सिर्फ विशाल के थ्रू अपनी दुश्मनी निकालना चाहती है, आपसे और ज्योति से। लेकिन ज्योति, तुम बिल्कुल डरना मत, अगर इस वक्त तुम नीचे हट गई ना तो कुसुम तुम्हें जिंदगी भर अपने नीचे दबाती रहेगी, वो यही चाहती है। और हाँ, तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ कि जीत हमारी ही होगी। आप सब लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मिस्टर विशाल मेरा की हमारी कंपनी में 5% के शेयर्स हैं, और जो सही मायने में बहुत ही बड़ा चंक है। हम इन शेयर्स को मार्केट में रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट को गलत सिग्नल मिलेगा, हमें इन शेयर्स को बाय बैक करना होगा। जाहिर है हमारा कैश फ्लो भी टूटेगा, और फिर इन शेयर्स को हमें हमारे ही किसी फैमिली मेंबर के नाम ट्रांसफर करना है। इसके लिए हमें फंड्स को रिलीज करना है, और जब हम हमारे बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो पिछले 3 महीनों से वी आर फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इसे मनी क्राइसिस कहे या कैश क्रंच, जाहिर है जब हम फंड्स रिलीज करेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा। अबे तुम कब से इतने लापरवाह हो गए? ये सब बातें कुसुम की बजाय तुम्हें बतानी चाहिए। कुसुम, तुम्हें कमाल का बिजनेस फॉरसाइट है। कुसुम, तुमने सही वक्त पर हमारी आंखें खोल दी। हम बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में यूं ही ओवर ट्रेडिंग करते रहे। अबे, तुम्हें कुसुम से बहुत कुछ सीखना है। सबसे बड़ी बात भाई साहब यह है
कि अगर उसके पास प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है. नुक्स तो कोई भी आदमी निकाल सकता है, लेकिन उसका हल सोचना. आई एम रियली इम्प्रेस्ड कुसुम. आज के बाद में हमारी कंपनी में जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें कुसुम की राय लेना हम जरूरी समझते हैं. अब है तुम तो बहुत खुश हो. क्यों? हाँ, आपको पता है मीटिंग बहुत ही अच्छे से गई. मैं तो खामखा टेंस हो रही थी कि पता नहीं इतने सारे लोगों को मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी. बट यू नो व्हाट, इट वाज नॉट एज डिफिकल्ट एज आई थॉट. व्हाई शुड इट बी कसम, व्हाई शुड इट बी? इतनी आसानी से सबकी शाबाशी जमेगी तुम्हें. सबके सामने अपने आप को फैसिनेटेड और मुझे फेलियर साबित करने में ना तो तुम्हें कोई दिक्कत हुई और ना ही कोई वक्त लगा. यू शुड बी हैप्पी. Earn that damn bloody praise. ये क्या कह रहे हैं आप? अभय, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं. मैं तो कंपनी के बारे में सोच रही थी. In fact, मेरा इरादा. तुम्हारा इरादा क्या था कुसुम? ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ. अगर तुम्हारा इरादा ये नहीं तो इस बारे में तुम कल रात को मुझे बोलती. कल रात को मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप ही ने कहा था ना कि ऑफिस की बात ऑफिस में होनी चाहिए और घर की घर में. अगर बात इतनी ही कुछ तो तुम इसका एहसास मुझे कल रात को दिलाए. Why would you do that? तुम्हें तो सिर्फ कंपनी का सेवियर, कंपनी का मसीहा का खिताब चाहिए. Am I right? तुम्हें क्या परवाह है? सिर्फ अपनी और मैं मेरा मान सम्मान उसका क्या? Kkusum, I think तुम लोगों को ये दिखाना चाहती हो कि Kkusum देशमुख कितनी तोप चीज है. वो अभय कपूर को जीवन दान तो दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी कंपनी को भी. क्यों? अरे ये क्या, मीटिंग में तो तुम्हारी जबान बहुत चल रही थी, लेकिन यहाँ की क्या होगी? मैंने सोचा था कि मेरी इस इन्वॉल्वमेंट से आप बहुत ही खुश हो जाएंगे. अब है, अगर किसी की शाबाशी मेरे लिए मायने रखती है तो वो सिर्फ आपकी. अगर कोई मेरे लिए मैटर करता है तो वो सिर्फ आप हो. गलती मेरी है, मैं हमेशा सोचती कुछ और हूं और होता कुछ और है. कहां जा रहे हैं आप? डॉक्टर के पास. मेरी फाइनल अपॉइंटमेंट. मैं भी चलूंगी आपके साथ. कसम रिश्ता बन सके. रिश्ता बन चुका है मालिक और नौकर का. पुरानी बातें याद दिलाने की जरूरत है. ठीक है, चलो कोई नई बात करते. राहुल, तुम आखिर चाहते क्या? तुम्हें परेशान करना. तो आजकल तुम्हारे पांव जूतों से बाहर निकलने की हिम्मत कर रहे हैं. इंस्पिरेशन बन गई हो तुम मेरी. जो भी सीखा है तुम्हें से सीखा है निकिता. तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी. That is not possible. क्योंकि मुझे अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है. मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ. ईमान की दौलत का शौक है मुझे. ईमानदारी से कमाई हुई दौलत का शौक है, झूठ और फरेब की दौलत का नहीं. और ईमानदारी की दौलत तो तुम्हारे पास होगी नहीं ना निकिता, तुम मुझे दोगी कहाँ से? एनीवे, चलता हूँ. राहुल,
देखो निकिता, सब पब्लिक प्लेस, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हें लोग जानते हैं। मेरे साथ दिखाई दोगी ना तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। देखो राहुल, अगर मैं तुम्हें इससे बेटर नौकरी दिलवा दूं तो? उसमें एक प्रॉब्लम है निकिता, दूसरी नौकरी में मैं तुम्हारे करीब नहीं रह पाऊंगा, और मैं तुम्हारे और अपने प्यार को अभी तक भूल नहीं पाया। तो शायद तुम्हें याद नहीं, हमने इस प्यार को शादी का नाम दिया था। बाय निकिता। हेलो, आज ऑफिस क्यों नहीं है? कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी थी, लेट हो गई, अभी अभी घर आई हूँ। मुझे तुमसे मिलना है आज, अभी, इसी वक्त। कहाँ पे चलती हो? कल ऑफिस में मिलते हैं ना। ठीक है, मत मिलो। इन्हें क्या हुआ? बोलो। घर आ जाओ, यहाँ मिलते हैं। ठीक है। Welcome, Mr. Abhay Kapoor, business tycoon, industrialist. Aye. Tell me, kya baat hai? Is there a problem? Tum urgently milna chahte the mujhse? Jo hai. Kya? Tum se nahi mil sakte? बहुत परेशान नजर आ रही हूँ। कुछ कहा? कुसुम से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? क्या बात है ईशा, पता नहीं क्यों, चाहते हुए भी मैं कभी कभी कुसुम कुछ कह देता। चाहता था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिससे एवरीथिंग विल अपसेट डाउन। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ कुसुम की वजह से चल रहा है। उसके सामने मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। लाइक शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, सब कुछ वही। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग अभय। तुम्हें रियलिटी को फेस करना सीखना चाहिए, उसे भागना नहीं, और तुम्हें कॉम्प्रोमाइज भी करना सीखना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ईशा, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ग्रेट, अब मैं तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी जिसे सुनते ही तुम्हारा मूड गारंटी ठीक हो जाएगा। मैंने अपने लिए नया ऑफिस ढूंढ लिया है, डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज है, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारी मदद की जरूरत है डील क्लोज करने से पहले। मिस्टर जोशी है ना जिनका ये ऑफिस है, वो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए डील क्लोज कर दो मेरे बजट के अंदर। व्हाट यू से? इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम इस ऑफिस को छोड़ दोगी, और अगर तुमने इस ऑफिस को छोड़ दिया तो मेरा तुम्हारा मिलना कम हो जाएगा। कम से कम इस ऑफिस के बाहर तो तुमसे मिलता रहता हूँ। डॉक्टर श्रॉफ्ट क्लिनिक जी, मैं कुसुम कपूर बोल रही हूँ। क्या मिस्टर अभय कपूर 2 घंटे पहले निकल चुके हैं?